आगे बढ़ते हैं, जोशीमठ की बात करते हैं। खतरनाक दरार वाले भवनों पर वहां एक्शन लिया जा रहा है और आज सबसे पहले दो होटल्स मलारी इन और होटल माउंटेन व्यू को गिराया जाएगा। प्रशासन की टीम सुबह से ही एक्शन में है। थोड़ी देर पहले दोनों होटल्स के बिजली के कनेक्शन को काट दिया गया और इसके बाद अब कुछ ही देर में होटल्स को गिराने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। प्रशासन की ओर से आसपास के लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। मलारी इन और होटल माउंट व्यू, इन दोनों को सबसे पहले गिराया जाएगा। इसके अलावा लगभग 75 जो मकान हैं, जो सबसे ज्यादा जिनमें गहरी और बड़ी दरारें हैं, उनको भी जमींदोज किया जाएगा, उनको भी हटाया जाएगा। तो ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है आज और ये जो दोनों होटल्स हैं इनको सबसे पहले हटाया जाएगा, मलारी इन और होटल माउंट व्यू। ये थोड़े ऊंचे होटल्स हैं और इनको मैनुअली ही हटाया जाना है वहां पर। इसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वहां पर की जा रही हैं, जो आवश्यक जो तैयारियां हैं, ये देखिए कैसे चिपक गए दोनों होटल्स। आइए आपको सीधा जोशीमठ लिए चलते हैं और जोशीमठ में आपको तस्वीरें दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारे संवाददाता रवि केंतुरा और वो हमें बताएंगे कि अभी ये जो इन होटल्स के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है ये कहां तक पहुंची है और इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। रवि, बिल्कुल, देखिए अभी जो ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है और अभी एक नई बात यह है कि जो प्रशासन है और जो लोग हैं यहाँ के उनमें कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है क्योंकि बातचीत नहीं हुई है कुछ और इस तरीके का एक है कि लोग किसी तरीके से कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये होटल हैं ये तोड़े जा रहे हैं, जो यहाँ के जो ऑनर हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी कुछ समझ में ये नहीं आ रहा किस तरीके से उनको मुआवजा मिलेगा या हम अभी हमको कहाँ पर उनको सेटल किया जाएगा। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग स्थानीय हैं यहीं से? अभी जो एक तो ध्वस्तीकरण के लिए इनका ये कहना है कि यहाँ से जाएंगे, तो आप किस तरीके से इस पूरे मामले को अभी फिलहाल देख रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं भाई जिसका नुकसान हो पहले उसके एक प्रॉपर वैल्यूअर आए, प्रशासन उसे भेजे, मकान की पूरी वैल्यू निकाले, उसमें हमें नोटिस दे, उसके बाद हमें आश्वासन दिया जाए कि इसकी ये वैल्यू और ये सरकार द्वारा जो आपको है ये लिखित आश्वासन में दिया जाए, तब हम इसमें ध्वस्तीकरण के लिए कोई बातचीत प्रशासन की ओर से आप लोगों के साथ कोई भी नहीं आया। यहाँ पर कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं है। अभी 2 घंटे से तो हमें यहाँ पे देखिए लोग इंतजार में हैं क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जिनके और जगह पर जो रेड क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है, क्या करते हैं आप और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात हो रही है वहाँ पर आप लोगों के साथ क्या बातचीत हुई है प्रशासन? जी सर, मेरा नाम दीपक रावत है। ये होटलों के पीछे हम लोगों के मकान हैं जो कि पूर्ण रूप से टूट चुके हैं, बिल्कुल रहने लायक नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार हमें इसका पूरा मेजरमेंट निकाल के, जो इसकी वैल्यूएशन निकाल के जो पैसा होता है वो हमें दे और इसमें तुरंत कार्रवाई करे सरकार। देखिए यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें हैं, अगर आप देखेंगे मलारिन में जो यहाँ के ऑनर हैं, हमने उनसे बातचीत भी की थी सुबह और अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी इस तरीके की जो भावुक तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि लोग यहाँ पर आए हैं, उनके जो परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो लोग यहाँ पर हैं, उनके साथ हैं, एक ढांढस बनाने वाला, क्योंकि एक आशियाना जब किसी का उजड़ता है क्योंकि लंबे वक्त से जो है उन लोगों ने इसको बनाया होगा, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है इस तरीके की बात सामने आ रही है, इसीलिए लोग जो है थोड़ा सा इस स्थिति में है। तो मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश कर लेता हूँ, आप लोगों से कोई बातचीत हुई है प्रशासन की? कोई बातचीत नहीं हुई प्रशासन से अभी। कुछ नहीं बताया? नहीं। आप लोग कहाँ कहाँ से आए? जितना बेटी है, पूरा परिवार आप लोगों का है? मैं देवरानी, नाना दादा, ये हमारी बेटी है जी। तो देखिए पूरा परिवार उन लोगों का यहाँ पर मौजूद है, जो स्थानीय लोग हैं वो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं वो मौजूद है और ये मलारिन होटल है जिस पर सबसे पहले जिसके ध्वस्त करने की बात की जा रही है कि मैनुअल तरीके से ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन फिलहाल लोगों के अंदर ये संशय बना हुआ है कि जो उनके यहाँ पर इस आशियाने को उनके द्वारा जो बनाया गया है यहाँ पर, जो अपने रोज़गार को लेकर जो इसको हटाया जाएगा, तो उसके बाद अभी कोई बात उनके साथ नहीं हुई है। तो शायद एक चीज़ यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल रही है कि प्रशासन और जो यहाँ के स्थानीय हैं, क्योंकि तमाम वो लोग भी यहाँ पर आए हैं जिनके भवनों पर, जिनके होटल या घरों पर जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है, जहाँ पर रेड क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं, वो तमाम जो लोग हैं, ज़्यादातर इसमें बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग भी हैं, बहुत सारे जो स्थानीय हैं जिनके घर यहाँ पर जमींदोज होने के कगार पर हैं, जिनको हटाने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी फौरी तौर पर ये बात तो बता दी गई है कि आपके घरों पर जो रेड क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं तो आपके घरों को हटा दिया जाएगा, लेकिन उन घरों से जब उन घरों को तोड़ा जाएगा तो उसके बाद इन लोगों के रहने की व्यवस्था कहाँ होगी, इस बात को लेकर एक बड़ा संशय अभी तमाम इन लोगों के बीच बना हुआ है और यहाँ पर यही आपस में एक जो बातचीत है वो लोगों के बीच यहाँ पर है कि किस तरीके का ये इस संकट में वो इससे उभरेंगे। अभी होटल को हटाने की बात हो रही है, उसके बाद जो रेड क्रॉस के निशान है वहाँ से हटाएंगे, आप लोगों का क्या कहना है?
देखिए होटल को किस उद्देश्य से हटाया जा रहा, पहले तो ये तो सामने आए। शासन तो ये कहना है, प्रशासन अगर ये कह रहा है कि ये डेंजर जोन में है, तो डेंजर जोन की कोई परिभाषाएं तो निश्चित की गई होंगी ना, कि अगर आप जो है उनका बिना मुआवजा दिए हुए, बिना कोई एस्टिमेट बनाए हुए, उनके पास आ करके आप एक कागज में साइन करवा करके ये कह देंगे कि आप इसको तोड़िए और तोड़ करके हम जो है मुआवजा अपने हिसाब से सेट करेंगे, कोई तरीका तो थोड़ी नहीं होता है। क्या ये सरकार इतनी संवेदनहीनता की तरफ बढ़ चुकी है कि इनको ये पता नहीं कि आज मानवीय मूल्यों पे जो तुमने विकास की परिभाषाएं लिखी है, क्या वो इसी तरह से ध्वस्तीकरण की तरफ जाएगी? ये कि जो प्रशासन की ओर से जो बातचीत नहीं हुई है, इस वजह से लोग नाराज हैं। आप बताइए भाई साहब, आप प्रशासन की तरफ से मुझे नहीं लगता कि इन्होंने एक प्रॉपर सूचना दी है। हाँ, सुबह सुबह ये मालूम होता है कि आज जो है ये दोनों होटल ध्वस्त किए जाएंगे। कहाँ से आप लोगों को ये मालूम हुआ कि ध्वस्त किए जाएंगे? नहीं, मैंने तो सोशल मीडिया में ये पढ़ा था। हाँ, सोशल मीडिया के से ये मालूम हुआ था कि आज दोनों होटल ध्वस्त किए जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर ये खतरे की जद में है, ध्वस्त किया जाए, लेकिन उसका एक मानक बनाए जाए और जो इनके ओनर्स हैं इनको ये हो कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। अच्छा, जो रेड क्रॉस के निशान अब तो घरों पर भी हैं, उन घरों को भी हटाया जाएगा? रेड क्रॉस, हाँ, हालांकि ये सबके सामने है कि ये खतरे की जद में है, लेकिन जो इसके मानक हैं, मुझे नहीं लगता सरकार का भी कम्बिनेशन एक दूसरे पे सही है। सब गोलमोल है, सब ढुलमुल रवैया चल रहा है, और इनको भी खुद एक दूसरे को ये मालूम नहीं है कि करना क्या है, क्या स्थिति आगे होने वाली है और क्या हमारे ये रहेंगे। स्थानीय जो जनता है ना, जिन जो लोग प्रभावित हुए, उनको क्लियर कट कोई प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं दी जाएगी। इवन आप देख रहे हैं कि सुबह जब ये भीड़ लगती है तो पता चलता है ओनर को भी कि भाई कि हमारा मकान का आज ध्वस्तीकरण। ठीक है, रवि की बात आ गई सामने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।